हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। इसका एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी इसका ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने बखूबी बताया था कि कौन से रिलेशंस फंक्शंस कहलाते हैं। देन फंक्शंस में भी ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग क्या होता है 1-1 फंक्शन, क्या होता है ऑन टू फंक्शन। 1-1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो जिन भाई लोगों ने या बहन लोगों ने जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली उनको नहीं देखा है, तो प्लीज़ देख लें। और वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे आप लोगों को, सो दैट आप बेसिक वर्किंग देख लें कि वो कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहे हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि काफ़ी हद तक एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें किसी भी कॉन्सेप्ट की वर्किंग समझ में आ जाती है। और एक एक्सरसाइज में मोर और लेस 3-4 वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और मेनली हम लोग सेम सा ही काम कर रहे होते हैं। सो अगर आपको हल्का फुल्का भी 1-1 एंड ऑन टू फंक्शंस का आइडिया है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या कहता है ये। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि भैया शो डैट द फंक्शन एफ विच इज फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। बेसिकली ये आर स्टार क्या है, इसको इसने कहीं डिफाइन किया होगा, आगे देखेंगे। कह रहा फंक्शन क्या है बच्चों हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। हमें इस फंक्शन को 1-1 एंड ऑन टू शो करना है ना। वी हैव टू शो व्हाट, दैट आवर फंक्शन इज 1-1 एंड ऑन टू, ठीक है ना। ये हमें बच्चों शो करना है, ठीक है, 1-1 एंड ऑन टू। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ, आर स्टार क्या कह रहा है, आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर में से जीरो हटा दो तो नॉन जीरो रियल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि इज द रिजल्ट ट्रू, तो यहां से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन या कह सकते हैं कि सेम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, तो सेकंड पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग इसको 1-1 एंड ऑन टू शो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स 1-1 शो करने का एक बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है ना। हालांकि 1-1 शो करने के कई मेथड होते हैं। 1-1 शो करने के लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करके भी 1-1 घोषित किया जा सकता है। लेकिन जो बोर्ड्स में आपके सब्जेक्टिव एग्जाम जैसे है आपका, तो बोर्ड्स में कैसे शो करते हैं 1-1 का, तो फॉर 1-1 यानी कि 1-1 का क्या प्रोसेस है ना, 1-1 का क्या प्रोसेस है उसको देखेंगे बच्चों। तो 1-1 कहते हैं कि भैया लेट X1, X2 दो डिफरेंट नंबर हैं, बिलोंग्स टू डोमेन, है ना। डोमेन क्या है आपका, आर स्टार, सच डेट ये दो नंबर ऐसे हैं कि इन पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, fx1 = fx2। अगर fx1 = fx2 रखने से हमें x1 = x2 मिल जाता है तो फंक्शन 1-1 होगा। अगर fx1 = fx2 रखने से अगर हमें x1 = x2 आता है, यानी कि दो conditions हो सकती हैं, या तो यहां से x1 = x2 आ जाएगा तो हम लोग फंक्शन को 1-1 घोषित कर देंगे, और fx1 = fx2 रखने से अगर x1 = x2 आया तो हम लोग फंक्शन को नॉट 1-1 बोलेंगे, ठीक है। ये बात हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी। तो आइए देखते हैं क्या होता है बच्चों, fx1 = fx2 रखने पर क्या होता है। तो 1/x1 = 1/x2 एंड वी कैन सी हियर कि भैया x1 = x2 आ गया, हैंस 1-1। तो फंक्शन को हमने 1-1 तो जो है घोषित कर दिया। और ऐसा क्यों होता है
ये हमने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता देते हैं कि बेसिकली अगर दो नंबर हैं, ठीक है, उन पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि फंक्शन, हम ये मान के चलते हैं कि फंक्शन क्या है, मैनी वन है, फंक्शन मैनी वन है, हम मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं। लेकिन एफ एक्स बराबर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखने से एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाता है, तो यानी कि ये फिगर हमारी गलत हो गई, फिगर हमारी गलत हो गई। फिगर एक्चुअल में क्या है कि भैया एक्स वन और एक्स टू दो इक्वल नंबर ही थे, एक्स वन और एक्स टू दो इक्वल नंबर थे, इसी वजह से फंक्शन की वैल्यू भी उन पर इक्वल आई थी, तो फंक्शन मैनी वन ना होके वन वन हो जाता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग इसको वन वन प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसका हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। तो बहुत सिंपल है कि भैया एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखने से अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, वन वन। अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखने से एक्स वन इज नॉट इक्वल्स टू एक्स टू आ रहा है तो फंक्शन इज नॉट वन वन, ठीक है। चलिए तो अब ऑन टू पे बात करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें क्या कहा गया है, फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू शो करना है। बच्चों क्या करना है, हमें फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू शो करना है बच्चों। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ऑन टू पे, है ना। तो ऑन टू फंक्शन देखिए, कभी भी अगर हमने ऑन टू फंक्शन दिखाना है ना, थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं, तो या तो हम ये दिखा दें कि भैया फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन कौन सा सेट होता है, ये वाला सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो रेंज बराबर कोडोमेन या तो हम लोग शो कर दें, ठीक है, और या फिर हम ऐसा कह दें कि भाई फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज है। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन वी हैव एक्स बिलोंग्स टू, वी हैव एक्स बिलोंग्स टू डोमेन अंडर द फंक्शन, अंडर द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x, है ना। सो बच्चों ये दो तरीके होते हैं ऑन टू फंक्शन को दिखाने के लिए। देखो ऑन टू फंक्शन दिखाने से पहले अपने आपको फील भी होना चाहिए पहले, ना, पहले फंक्शन फील हो जाए कि ये ऑन टू है कि नहीं है। बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन x है, ठीक है, ये फंक्शन कैसा है, वन अपॉन x है। अगर आपको बहुत ध्यान हो कि 11वीं क्लास में हमने इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था हमने, है ना, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बच्चों हमने आपको ये भी बताया था ग्राफ में कि ग्राफ की प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, ग्राफ की परछाई ऑन द वाई एक्सिस, ग्राफ की परछाई ऑन द वाई एक्सिस रेंज होती है। तो यानी कि इस फंक्शन की हमने रेंज भी निकाली थी कितनी, कि भैया ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, है ना, एक्सेप्ट जीरो, और यही क्या है हमारा आर स्टार, यही क्या है हमारा, यही क्या है बच्चों हमारा आर स्टार, आर स्टार, और आर स्टार क्या है हमारा कोडोमेन भी है। तो एक तरीका तो यह है कि इस फंक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया रेंज बराबर कोडोमेन आ गया तो हैंस ऑन टू फंक्शन, हैंस ऑन टू फंक्शन। एक तो बहुत ही सिंपल सा तरीका यह है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, भारत छोड़ो दुनिया में कोई इसको काट नहीं सकता कि भाई एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स एस की रेंज जो है कोडोमेन के बराबर आ गई, हैंस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर हमें इसको दूसरे तरीके से करना है तो दूसरे तरीके से भी करा देते हैं, पहले ये नोट कर लिया गया क्योंकि दूसरे तरीके से जगह की जरूरत पड़ेगी ना भाई। चलिए तो दूसरे तरीके से जगह की जरूरत पड़ेगी, तो ये रेंज बराबर कोडोमेन वाला काम हमने कर दिया और इस तरीके से फंक्शन को हमने ऑन टू भी घोषित कर दिया। बट अगर हम लोग दूसरे तरीके से फंक्शन को ऑन टू घोषित करना चाह रहे हैं तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मैदान में, मैदान में आ जाओ। अब बच्चों आर स्टार क्या है थोड़ा फील करते हैं ना, रफली फील करते हैं आर स्टार। आर स्टार के अंदर सभी रियल नंबर्स हैं, बस जीरो नहीं है ना, है ना, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है ना। अच्छा रियल नंबर्स में खाली इंटीजर्स नहीं आते ना, पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, तो वो भी थोड़े से लिख लेते हैं, वो भी थोड़े से लिख लेते हैं ना, ऐसे लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे
हमारे पास फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू वन अपॉन x, यानी कि x कहां से आएगा, यहां से, और y कहां पे आएगा, यहां में आएगा। तो यानी कि x इक्वल टू वन अपॉन y भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप कोई भी y चूज करो, कोई भी y, जो भी आपकी इच्छा करे, जो भी आपकी इच्छा करे, जो भी आपकी इच्छा करे। मान लो आपने माइनस 0.5 उठाया, मान लो आपने y की जगह माइनस का 0.5 उठाया, तो उससे क्या आ जाएगा, इट इज माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 देखो यहां मौजूद है। फिर आप y की जगह कुछ भी उठा लो, है ना, माइनस 1 उठा लो, तो देखो x की वैल्यू माइनस 1। तो यानी कि कहने का मतलब कोडोमेन के अंदर आप कोई भी y उठा लो, कोडोमेन के अंदर आप कोई भी y उठा लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको x मिल जाएगा, कहां पे, डोमेन के अंदर। आपको कह रहा है कि भैया फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन वी हैव एक्स बिलोंग्स टू डोमेन अंडर द फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो हमें फील हो गया, एंड हैंड्स ऑन टू, हैंड्स ऑन टू, सिंपल सी बात है मेरे भाई, कि भैया फॉर एवरी वाई इक्वल्स टू, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, और कोडोमेन का सेट भी लिख देते हैं ना, कोडोमेन का सेट भी लिख देते हैं आर स्टार, यहां लिख देंगे फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर स्टार यानी कि कोडोमेन, वी हैव एक्स बिलोंग्स टू डोमेन अंडर द फंक्शन वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, हेंस ऑन टू फंक्शन। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो से दिस, ठीक है ना। क्या हमें ये इधर वाला पोर्शन कॉपी पे लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपने इसको रफली करा है सॉल्व, है ना। कभी भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स को आप कहीं डब्बे के अंदर नहीं रख सकते, ये तो सिर्फ हमारी फीलिंग के लिए जरूरी था, तो दैट इज इट, हैंस ऑन टू फंक्शन। तो ये पहला पार्ट हमने कर दिया है बच्चों, फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब हम इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करेंगे। वो कहता है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन बीइंग एज सेम एज आर स्टार। तो बेसिकली यहां पे स्टार होगा ना, अदरवाइज क्वेश्चन का सेंस नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू, तो अभी रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। ये हमने शो कर दिया भैया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन शो कर दिया, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बिल्कुल क्लियर है। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया फंक्शन भैया हमारा वन वन एंड ऑन टू है, ठीक है, प्रूव कर दिया हमने। कह रहा कि ये रिजल्ट क्या सेम रहेगा, क्या ये रिजल्ट सेम रहेगा, क्या ये रिजल्ट सेम रहेगा अगर अगर हम डोमेन को बदल के, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर्स का सेट विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। कोडोमेन सेम रहेगा, आर स्टार यानी कि जो डोमेन है उसको हमने नेचुरल नंबर्स के सेट से रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? चलिए, तो डोमेन हमने नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया, तो क्या अब रिजल्ट ट्रू रहेगा, मतलब क्या 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 रिजल्ट ऐसा ही रहेगा, वन वन एंड ऑन टू रहेगा, है ना, क्या रिजल्ट सेम रहेगा, तो चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, फॉर वन वन, अब फिर से वन वन चेक करते हैं, फॉर वन वन इफ लेट एक्स वन एक्स टू दो नंबर्स हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि डोमेन से, सच डैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, such that fx1 बराबर fx2। तो इसका मतलब कितना होगा, 1 अपॉन x1 बराबर 1 अपॉन x2, एंड हेंस इट इंप्लाइज x1 बराबर x2, ठीक है भैया। सो इसका मतलब 1 1 तो है, हेंस फंक्शन इज स्टिल 1 1, ठीक है, 1 1 तो है भैया। ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऑन टू चेक कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ऑन टू ऑन टू ऑन टू फोर ऑन टू। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पे नेचुरल नंबर है यानी कि 1 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएगा और अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पे आर स्टार है और आर स्टार के अंदर दुनिया भर के नंबर आपके -3, -2, -1, -0.5। आर स्टार में 0 नहीं था है ना, तो 0 को नहीं लेंगे, तो 0.5, 1, 2, 3 है ना, एंड सो ऑन। फंक्शन क्या है भैया हमारे पास, एफ एक्स बराबर 1/x, एफ एक्स बराबर 1/x, और एफ एक्स को हमने लेट से वाई कह दिया, तो वाई बराबर 1/x। तो इसका मतलब हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, इट इज 1/y। अच्छा, y इक्वल टू 1/x, x कहां से आएगा, यहां से आएगा, x कहां से आएगा, यहां से आएगा, y कहां आएगा, यहां में आएगा, ठीक है ना। y कहां पे आता है, यहां पे आता है, ठीक है। अब अगर मैंने y को लेट्स से 2 ले लिया है ना, माइनस का 2, लेट्स से मैंने y को माइनस का 2 ले लिया, तो x बराबर माइनस का 0.5 जो कि इधर नहीं है। अब अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूट गया, यहां तो बहुत सारे छूटेंगे अभी, यहां तो अभी बहुत सारे छूटेंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, आप वाई में कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, कोई एक्स नहीं मिलेगा क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते। सो मैं कह रहा हूं कि भैया कोडोमेन में अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो भी नॉट ऑन टू हो जाता है, लेकिन यहां तो बहुत सारे छूटेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ऐसे में कहेंगे कि भैया देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट y belongs to codomain, there exist y belongs to codomain, यानी कि ऐसे y हैं, ऐसे y हैं जो codomain में exist कर रहे हैं, there exist y belongs to r star codomain, for which there is no x, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, for which there is no x belongs to domain under the function y equal to 1/x, hence not on to, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो, hence not on to। तो इतने प्यार से ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करते चलना है, क्लियर है भैया। चलिए तो फटाफट से स्टूडेंट्स नोट करिएगा, pause the video note it down, ठीक है भैया, क्लियर है, चलें आगे। अरे सर ये 1/1 and 2, ये रिलेशन फंक्शन बहुत परेशान कर दिया। अरे यही तो असली टेस्ट है मेरे भाई, यहीं से तो जज किया जाता है, यहीं से तो ये नो का मतलब क्या है कि इज द रिजल्ट ट्रू, जब हमने डोमेन चेंज कर दिया तो क्या फिर से फंक्शन 1/1 and 2 आया, नहीं आया, तो ये नो का मतलब वही है, ठीक है। चलिए तो रिलेशन फंक्शन असली चेकर है एक क्लास 12th में एक बच्चे को चेक करने के लिए कि हाँ भाई बच्चे में दम है ना। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये नींव है कैलकुलस की। सो चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी मतलब 1/1 चेक करना है हमें फंक्शन को, और सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू चेक करना है ना। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं और आपको बखूबी फील हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं और आपको बखूबी फील भी हो जाएगा कि भाई हर तरह के क्वेश्चन में बेसिकली फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है ना। तो एक 1/1 and 2 चेक करने की वैरायटी ऑफ जर्नी आप कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स देखते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके हमेशा सॉल्व करने की कोशिश किया करें खुद से। फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है और फंक्शन क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर। तो पहले 1/1 चेक कर ले मेरे भाई, तो 4/1/1 देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से। लेट दो नंबर x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से, ठीक है ना, डोमेन से, सच डेट fx1 बराबर fx2। तो fx1 बराबर fx2 implies क्या करेगा भैया, x1 का square will be equal to x2 square। अब ये चीज समझ के चलना बच्चों, ये चीज समझ के चलना, दो नंबर अगर real number से belong कर रहे हैं या दो नंबर इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं,
इंटीजर्स मतलब बिना पॉइंट वाले नंबर। तो अगर मैं x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर करूं तो इट इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2। ऐसा क्यों? देखेंगे, रीजन देखेंगे। रीजन क्या है? रीजन यह है मेरे भाई कि मान लो दो नंबर का स्क्वायर इक्वल है तो वो दो नंबर एक दूसरे के नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना। दो नंबर ऐसे भी हो सकते हैं और दो नंबर ऐसे भी हो सकते हैं या दो नंबर ऐसे भी हो सकते हैं। तो मतलब ये नंबर और ये नंबर इक्वल नहीं होंगे, यानी कि एक नंबर दूसरे का या तो इक्वल होगा या नेगेटिव होगा, है ना। यही स्थिति बताई मैंने आपको कि भैया ये नंबर या तो इसका नेगेटिव होगा या ये नंबर इसका नेगेटिव होगा या ये दोनों नंबर इक्वल भी हो सकते हैं। मतलब x1 इज इक्वल टू x2 भी हो सकता है और इक्वल टू माइनस ऑफ x2 भी हो सकता है। तो अगर एक पॉइंट में कहना चाहें, यानी कि कंक्लूजन कहना चाहें, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होता है, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। लेकिन अगर दो नंबर लेट से, अच्छा ये तो स्क्वायर का केस था, ये तो स्क्वायर का केस था, है ना, ये तो स्क्वायर का केस था, ये तो स्क्वायर का केस था। स्क्वायर कहो या इवन पावर्स का केस कहो, इवन पावर्स का केस कहो। इवन पावर्स मतलब कल को यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इवन पावर्स में अगर हम लोग बात करें इवन पावर्स में, है ना, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। इवन पावर्स में ऐसा भी हो सकता है कि कल को हम कहें कि भैया x1 पावर 4 बराबर x2 पावर 4, तो भी हम लोग क्या कहेंगे, x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2, यानी कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। लेकिन अगर स्टूडेंट्स x1 और x2 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, या तो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं या फिर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये कैसे नंबर्स हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर मैं x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर कर रहा हूं तो दो पॉजिटिव नंबर के अगर स्क्वायर इक्वल हैं तो वो दो नंबर भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। या फिर अगर मैं x1 पावर 4 बराबर x2 पावर 4 कर रहा हूं तो वो दो नंबर भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा, ये तो हमने इवन पावर्स को डिस्कस किया, इवन पावर्स को डिस्कस किया। अब थोड़ा सा ऑड पावर्स को भी डिस्कस करते हैं ना, ऑड पावर्स को भी डिस्कस करते हैं। चलिए, अब अगर मान लो बच्चों ऑड पावर्स को डिस्कस करते हैं, ऑड पावर्स, नंबर्स कैसे हैं? नंबर्स या तो रियल नंबर हैं या फिर आप इंटीजर्स या रैशनल कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर दो नंबर के क्यूब इक्वल हैं या ऑड पावर्स इक्वल है तो वो दो नंबर हमेशा इक्वल होंगे, वो दो नंबर हमेशा इक्वल होंगे। अगर ऑड पावर्स इक्वल हैं तो दो नंबर हमेशा इक्वल होंगे, आप चेक कर लो। इनफैक्ट अगर दो नंबर, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनकी ऑड पावर्स इक्वल हैं तो वो दो नंबर इक्वल होते हैं ना। तो इस केस में अगर x1 x2 पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हैं या फिर x1 x2 नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर दो नंबर की ऑड पावर्स इक्वल हैं तो वो दो नंबर भी इक्वल ही होंगे हमेशा हमेशा, ठीक है भैया। ये ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। तो ऑड पावर्स के केस में लफड़ा नहीं है, इवन पावर्स के केस में लफड़ा है कि भैया अगर दो नंबर रियल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं और उनके स्क्वायर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो दो नंबर अनइक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी जानकारी प्लीज नोट कर लीजिएगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यानी कि यहां पे दो नंबर कैसे हैं? नेचुरल नंबर है, अगर उनके स्क्वायर इक्वल हैं तो वो दो नंबर भी क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे, ठीक है ना। हैंस वन वन, हैंस वन वन, ठीक है, क्लियर है क्या?
अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के ऊपर, है ना, तो यहीं पे ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे। तो फटाफट से स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो ये ज्ञान मैं हटा रहा हूं जो आपको दिया है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है क्या, 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 ठीक, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक, ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक, ठीक है क्या। चलिए, हमने बिल्कुल लकीर पे फकीर बना दिया है। चलिए फॉर ऑन टू देखते हैं बच्चों, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू देखते हैं बच्चों। बच्चों ऑन टू के लिए थोड़ा सा पहले फील कर लेते हैं। तो दो नेचुरल नंबर्स के सेट हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, ऐसे करके, ठीक है भैया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फंक्शन क्या है हमारा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स कहां से आएगा, यहां से आएगा, वाई कहां जाएगा, यहां से मिलेगा, है ना, वाई कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा। सो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स की जगह अगर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। यानी कि भैया ये नंबर्स तो कभी भी, ये नंबर्स तो कभी भी ऑक्यूपाई नहीं हो पाएंगे, यानी कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर हमें कभी मिल ही नहीं पाएगा जिसका स्क्वायर 2 हो जाए, जिसका स्क्वायर 3 हो जाए, जिसका स्क्वायर 5 हो जाए, जिसका स्क्वायर 6 हो जाए, जिसका स्क्वायर 7 हो जाए। यानी कि बेसिकली कोडोमेन में ये नंबर की कोई प्री इमेज नहीं होगी, ये नंबर की कोई प्री इमेज नहीं होगी, चेक कर लो। तो हम बोलेंगे कि भैया देखो, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, बिलोंग्स टू कोडोमेन, फॉर विच देयर इज नो एक्स। देखो 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 देखो, फॉर विच देर इज नो एक्स। भैया इन वाई के लिए बेचारा कोई एक्स नहीं है, ऐसा कोई एक्स नहीं है जिसका स्क्वायर 2 होता हो। सो देर इज नो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन अंडर द फंक्शन, अंडर द फंक्शन, अंडर द फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हेंस, है ना, क्योंकि कुछ वाई ऐसे हैं जिनकी, जिनका कोई एक्स नहीं है डोमेन में, हैंस नॉट ऑन टू, हैंस नॉट ऑन टू, चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, तो ये एलिमेंट्स ऐसे कह रहे होंगे ना कि मैं वो चांद जिसका डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ओके, तो यहां पे लिखा भी होगा इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, है ना। तो देखिए नॉट ऑन टू को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन भी बोलते हैं ना, नॉट ऑन टू को इनटू फंक्शन। सो नॉट ऑन टू को हम लोग क्या भी बोलेंगे, नॉट सब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है। और वन वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, क्लियर है। तो इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है बच्चों, ठीक है, सॉरी, ओके। तो अब सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मिलता जुलता सा है, आपको एक फील देगा। देखिए फंक्शन इंटीजर्स का इंटीजर्स में है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मैं वन वन चेक कर रहा हूं, फॉर वन वन। बच्चों मन के सोचो, लेट एक्स वन एक्स टू दो डिफरेंट नंबर्स हैं बिलोंग्स टू डोमेन, such that
फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे इक्वल है। अब इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट पे इक्वल है तो इसका मतलब x1 fx1 equal to fx2, तो यानी कि x1 का स्क्वायर, अब यहां x2 रखेंगे तो इस इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब हमने आपको बताया था अगर x1 x2 का स्क्वायर इक्वल है, लेकिन x1 और x2 क्या है, इंटीजर्स हैं, तो x1 विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस x2, एंड हेंस x1 इज नॉट इज इक्वल टू x2। चेक कर लो भैया, खुद सोचो, x1 और x2 इंटीजर हैं, यानी कि एक इंटीजर बन ले, लेट्स से माइनस टू मान लिया, एक इंटीजर प्लस टू मान लिया, इनके दोनों के स्क्वायर इक्वल हैं, तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल हो गए क्या? नहीं है ना, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। तो हेंस नॉट वन वन, हेंस नॉट वन वन, नॉट वन वन, नॉट वन वन का मतलब नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। ठीक है भैया, इसका सर्जेक्टिव चेक कर लें क्या, ऑन टू चेक कर लें क्या? अरे ऑन टू चेक कर लें भैया, जल्दी से बोलो ना, ऑन टू चेक कर लें, ऑन टू चेक कर लें। सो ऑन टू चेक कर लेते हैं, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू फंक्शन। अब देखिए जेड, जेड क्या है भैया, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें माइनस वाले नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव वाले भी होंगे, जीरो भी होगा, लेकिन बिना पॉइंट वाले नंबर होंगे ना, बिना पॉइंट वाले नंबर, बिना पॉइंट वाले नंबर होंगे। फंक्शन क्या है भैया हमारा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, एफ एक्स बेसिकली वाई एक्स पे प्लॉट होता है, तो एफ एक्स का हम लोग बाई ले लेते हैं। सो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स कहां से आएगा, एक्स यहां से आएगा भैया, है ना, एक्स आपका यहां से आएगा, और वाई कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा, है ना। तो जब आप जीरो रखोगे एक्स की जगह, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, ठीक है, वन का स्क्वायर वन, ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर भी वन, टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का स्क्वायर भी फोर। एक बात तो पक्की है, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर बेचारे ऐसे हैं जिनके लिए कोई एक्स मौजूद नहीं है भैया। कभी भी किसी भी एक्स के लिए आप यहां से कोई भी एक्स उठाओ, उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो नेगेटिव वाले नंबर तो छूट ही जाएंगे। इसके अलावा, इसके अलावा ऐसे नंबर भी छूट जाएंगे पॉजिटिव साइड में जो किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। देखो जैसे दो किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं हो सकता, तीन किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमारे पास कोडोमेन के अंदर ऐसे वाई मौजूद हैं, देयर एग्जिस्ट वाई, ऐसे वाई मौजूद हैं कहां, कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन के अंदर ऐसे वाई मौजूद हैं फॉर विच देयर इज, फॉर विच देयर इज नो एक्स, कोई एक्स नहीं है इन द डोमेन अंडर द फंक्शन, किस फंक्शन के अंदर, अंडर द फंक्शन वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एंड हेंस नॉट ऑन टू, इसका मतलब एंड हेंस नॉट ऑन टू, एंड हेंस नॉट ऑन टू, एंड हेंस नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। तो बच्चों यहां पे ये फंक्शन नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ठीक है, चेक कर लो, क्लियर है क्या? अरे जल्दी से बोलो ना कि क्लियर है कि नहीं। ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को वन वन एंड ऑन टू के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, चलते रहें ऐसे आगे, वेरी गुड। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो अगला स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। साफ साफ हमें यह देख के पता चल रहा है कि ये ना तो इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है, देख के पता चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग दो कर चुके हैं कि देख के पता चल रहा है, लेकिन फिर भी लिख के दिखाना तो पड़ेगा भाई।
मेरे मन में क्या है ये जुबां पे लाना तो पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे समझेगी। ठीक है भैया, तो आइए यहां पे आपका जो फंक्शन है वो आर टू आर है, यानी कि रियल नंबर्स का रियल नंबर्स में ही रिलेशन है ना। तो रिलेशन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज फंक्शन। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए तो 411 चेक करते हैं बच्चों, 411 चेक करते हैं बच्चों, 411। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन में x1 और x2 बिलोंग करता है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R विच इज डोमेन सच दैट fx1 बराबर fx2, ठीक है, सच दैट fx1 बराबर fx2, ठीक है। तो इट इंप्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, x1 का स्क्वायर fx1, x1 रखेंगे तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर आ जाएगा। इट इंप्लाइज x1 विल बी, अब देखो x1 और x2 दोनों रियल नंबर है तो इनके स्क्वायर इक्वल है तो ये इक्वल नहीं होंगे, x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2, ठीक है ना, एंड हेंस x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो ये बात हमें पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं कि दो रियल नंबर्स के स्क्वायर इक्वल है तो दो रियल नंबर जरूरी नहीं है इक्वल होंगे, तो हेंस नॉट 11, हेंस नॉट 11, यानी कि नॉट 11 मतलब नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी से बोलिएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर ऑन टू पे, है ना, फॉर ऑन टू पे। चलिए अब देखिए बच्चों, ये रियल नंबर का रियल नंबर में रिलेशन है। अब यहां ऑन टू में दो तरीके से करके दिखा सकता हूं आपको, कैसे कि भैया फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर इस दुनिया में, और एक्स क्या है यहां पे, रियल नंबर है ना, क्योंकि फंक्शन किस में है, आर टू आर में है। तो एक्स क्या है हमारा, रियल नंबर। अगर एक्स एक रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर जिंदगी में हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा लेकिन लेस देन इंफिनिटी रहेगा। तो एक्स स्क्वायर क्या है, फंक्शन, तो यानी कि फंक्शन बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा और लेस देन इंफिनिटी रहेगा। तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी, यानी कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आ गई हमारे पास, जीरो टू इंफिनिटी, और कोडोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन कितना है बच्चों, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, एज रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, हेंस व्हाट वी कैन से बच्चों, द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और बाकी अगर आपको वो एरो डायग्राम, वो जो है ना, वो हम लोग बॉक्स करके जो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैपिंग डायग्राम जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो मैपिंग डायग्राम से हम लोग देख ही सकते हैं कि भैया नेगेटिव रियल नंबर्स तो सारे छूट ही जाएंगे, है ना भैया। अगर मान लो आप ये रियल नंबर्स बना लेते हैं, -3, -2, -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 2, 3, है ना, तो आप देख ही लेते, अगर ऐसे भी करना चाहते हो आप, तो आपने देखा ही है कि y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। सो जीरो का स्क्वायर जीरो आ जाएगा, मतलब ये सारे नंबर कवर हो जाएंगे, है ना, मतलब 0.5 भी किसी भी नंबर का स्क्वायर आ ही जाएगा, है ना, ये सब आ जाए, ये सब तो कवर हो जाएंगे। मतलब बेसिकली आप सोचो, थोड़ा सा फील करो कि इन सभी नंबर्स के स्क्वायर जीरो या जीरो से नीचे, यानी कि पॉजिटिव साइड्स में आ जाएंगे। वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, ठीक है ना, फिर किसी चीज़ का स्क्वायर टू भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो रियल नंबर्स के स्क्वायर तो पॉजिटिव तो आ जाएंगे, बट ये नेगेटिव नंबर नहीं आ पाएंगे कभी भी, है ना, नेगेटिव नंबर के लिए कोई भी एक्स नहीं होगा। तो हमारे पास हम लोग कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रियल नंबर्स फॉर विच देर इज नो एक्स इन डोमेन एंड हेंस नॉट ऑन टू, तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है।
बाकी जो हमने तरीका बताया इससे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलेंगे। आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन के अंदर काफी पार्ट्स हैं हमारे पास, है ना। सो नीदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, है ना। सो नॉट ऑन टू का मतलब क्या है? हम लोग नॉट ऑन टू को क्या भी बोल देते हैं बच्चों? इन टू फंक्शन भी बोल देते हैं ना। और नॉट ऑन टू को हम लोग नॉट सब्जेक्टिव भी बोल देंगे, नॉट सब्जेक्टिव भी बोल देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोलो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं को बता रहा था कि सेवरल पार्ट्स हैं, आई थिंक 5-6 पार्ट्स हैं, बट एवरी पार्ट इज गिविंग अस मोर क्लैरिटी, है ना, कि हाउ दिस वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इज वर्किंग व्हेन द फंक्शन इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, देन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, देन इंटीजर टू इंटीजर, देन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, देन फंक्शन इज एक्स क्यूब। तो एक बेसिक लेवल ऑफ अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। सो देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फंक्शन बेसिकली यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एंड एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब हमारा फंक्शन है। तो लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज लेट्स से डोमेन। ठीक है, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज लेट्स से डोमेन, है ना, मतलब डोमेन है ही, लेट्स से क्या डोमेन, सच डेट एक्स वन सच डेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एंड एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू विल गिव अस व्हाट? एफ एक्स वन कितना देगा? एक्स वन क्यूब देगा, और एफ एक्स टू कितना देगा? एक्स टू क्यूब। अब दो नंबर का अगर क्यूब इक्वल है तो नेचुरल हो रियल हो इंटीजर हो वो दो नंबर इक्वल होंगे। तो ये फंक्शन तो कितना हो गया बच्चों हमारे पास? इट इज वन वन फंक्शन हो गया, हैंस वन वन फंक्शन, हैंस वन वन फंक्शन, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन। नाउ बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज व्हाट इट्स अबाउट ऑन टू, है ना। तो व्हाट अबाउट ऑन टू? तो ऑन टू को जरा सॉल्व करते हैं। सो ऑन टू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑन टू को देखो, जहां पे जो चीज रेलेवेंट है, यहां पे रेंज निकालना उतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि डिस्क्रीट सेट है, तो डिस्क्रीट रेंज आएगी, है ना, रियल इंटरवल्स थोड़ी है। तो यहां पे रेंज निकालना इतना मुनासिब नहीं होगा, जितना मुनासिब क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर को लिख के फील कराना बच्चों को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेगा, अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब हमारा फंक्शन है। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, ठीक है, 3 का क्यूब 27 होगा। तो यानी कि ऐसे नंबर जो किसी नेचुरल नंबर के क्यूब नहीं है, ये सब तो छूट ही जाएंगे भाई। 3 किस नेचुरल नंबर का क्यूब है? नहीं है। 4 किस नेचुरल नंबर का क्यूब है? नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि कोडोमेन के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कि भैया देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कोडोमेन फॉर विच there is no x belongs to domain and hence not under the function, under the function जरूर लिखेंगे, under the function y equals to x cube, है ना, so hence not onto। तो not onto को हम लोग क्या भी बोलते हैं बच्चों? इन टू फंक्शन भी बोल देते हैं, एंड नॉट ऑन टू को हम लोग क्या भी बोलेंगे? सब्जेक्टिव। तो नॉट सब्जेक्टिव, तो दिस इज वन वन बट नॉट ऑन टू, यानी कि इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि आपको वन वन एंड ऑन टू समझ में आ रहा है, ठीक है, वन वन एंड ऑन टू आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो आई थिंक ये लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हालांकि हमको क्लैरिटी तो आ ही रही है कि ये वन वन बट नॉट ऑन टू होगा, बट फिर भी एक बार इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखेंगे फंक्शन क्या है आपका, जेड टू जेड में, यानी कि इंटीजर्स टू इंटीजर्स में, एंड फंक्शन इज योर एक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे फॉर वन वन कैसे करेंगे इसको। भैया बोलेंगे कि लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन सच डेट फंक्शन का वैल्यू एट एक्स वन इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट एक्स टू। सो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू इंप्लाइज व्हाट, इट इज एफ एक्स वन कितना होगा एक्स वन क्यूब, और एफ एक्स टू कितना होगा इट इज एक्स टू क्यूब। सो दो नंबर का अगर क्यूब इक्वल है चचा, तो वो दो नंबर इररेस्पेक्टिवली कुछ भी हो वो नंबर इक्वल होंगे, हैंस वन वन तो हो जाएगा, हैंस वन वन तो हो जाएगा, वन वन है तो इंजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं बच्चों, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं तो जेड, जेड मतलब भैया सेट ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो फंक्शन क्या है हमारा, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब बहुत ध्यान से देखो, जीरो का क्यूब जीरो हो जाएगा, वन का क्यूब वन हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन हो जाएगा, टू का क्यूब एट होगा, माइनस टू का क्यूब माइनस एट होगा। लेकिन ये टू जो है वो किसी का भी क्यूब नहीं हो सकता, किसी भी इंटीजर का क्यूब नहीं हो सकता, थ्री किसी भी इंटीजर का क्यूब नहीं हो सकता, फोर किसी भी इंटीजर का क्यूब नहीं हो सकता, फाइव किसी भी इंटीजर का क्यूब नहीं हो सकता, है ना, फाइव किसी भी इंटीजर का क्यूब नहीं हो सकता। इसका मतलब फॉर ऑन टू हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं बच्चों क्या, कि भैया देयर एग्जिस्ट ऐसे वाई मौजूद हैं कहां पे, आपका को डोमेन के अंदर, आपका को डोमेन के अंदर, फॉर विच जिनके लिए कोई भी एक्स नहीं है, देयर इज नो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन अंडर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड हेंस नॉट ऑन टू को हम लोग इन टू भी बोल देते हैं और नॉट सर्जेक्टिव भी बोल देंगे, तो इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगे ना, तो वीडियो को पॉज करके प्लीज फटाफट से नोट करिएगा, ठीक है, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो कहता है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। सो व्हाट इट गिव्स, इट गिव्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, है ना। तो हमको ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन, व्हाट वी हैव टू शो बच्चों, व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट दिस फंक्शन इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। तो टू प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू, नीदर वन वन नॉर ऑन टू, हमने आपको जो पिछला हमारा एक्सरसाइज है, है ना, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो जो पिछली एक्सरसाइज थी रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें भी हमने एक बात बताई थी आपको कि किसी चीज़ को अगर नॉट प्रूव करना है, है ना, किसी भी चीज़ का अगर निगेशन प्रूव करना है तो एक एग्जांपल काफ़ी है, ठीक है ना। तो नीदर वन वन नॉर ऑन टू के लिए अगर हम लोग नॉट वन वन के लिए एग्जाम्पल देते हैं, नॉट ऑन टू के लिए एग्जाम्पल दे दें, तो भी हम लोग इन फंक्शंस को
इस पर्टिकुलर फंक्शन को नीदर वन वन नॉर ऑन टू कह सकते हैं, है ना। सो एग्जाम्पल देने से पहले जरा पहले थोड़ा सा फंक्शन को समझते हैं, है ना। सो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है बच्चों, कि अगर अंदर इंटीजर है, मान लो यहां पे एक बिना पॉइंट वाला कोई नंबर है, इंटीजर है, तो बाहर ये सेम नंबर दे देगा, ना सेम। मतलब जैसे अगर अंदर टू है तो ये बाहर टू दे देगा, अंदर वन है तो ये बाहर वन दे देगा। बट अगर ये अंदर कोई पॉइंट वाला नंबर है तो ये क्या करता है, जस्ट छोटा नंबर देता है, यानी जस्ट छोटा इंटीजर देता है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है कि जस्ट छोटा इंटीजर देगा, यानी कि 2.9 है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा बच्चों, दो। जैसे 1.1 है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 1। 1.9 है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 1। 0 है तो 0 देगा, 0.1 है तो जस्ट छोटा इंटीजर 0, 0.9 है तो जस्ट छोटा इंटीजर 0 देगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, है ना, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो आप देखो 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और 0.9 तक 0 ही दे रहा है, ठीक है। पर जैसे ही 1 आएगा तो 1 पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और 1.9 तक 1 ही दे रहा है। फिर 2 जैसे आया तो 2 देने लगा, और ऐसे 2.9 तक 2 ही देगा। फिर 3 पे 3 देने लगेगा। तो इस तरह का स्टेप फंक्शन है ये, क्या ये स्टेप फंक्शन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या है बच्चों इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात करें तो सभी रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता है, तो ऑल रियल नंबर्स हम लोग डोमेन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर हम लोग रेंज की बात करें बच्चों, रेंज की बात करें बच्चों, तो ये फंक्शन हमेशा इंटीजर ही देता है। चेक करो इस फंक्शन के बाहर क्या निकलता है, हमेशा इंटीजर ही निकलता है, इंटीजर ही निकलता है, यानी कि बिना पॉइंट वाले नंबर ही निकलते हैं, तो सिर्फ इंटीजर आता है, ठीक है। अब देखो बच्चों फॉर 1 1 के लिए मैं कह सकता हूं कि वे लेट 1.2 एंड 1.3 ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से, और इन पे जो फंक्शन है वो भी इक्वल है, इक्वल तो है ही ना भैया। भैया 1.2 और 1.3 दोनों ही क्या देंगे आपको, जस्ट छोटा इंटीजर 1 देंगे, बट 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.3, हैंस नॉट 1 1, हैंस नॉट 1 1, ठीक है। तो फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग है, अगर फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको बहुत प्यार से एग्जाम्पल से नॉट 1 1 बोल सकते हो, अच्छा अच्छा। अब अगर नॉट ऑन टू बोलना है, नॉट ऑन टू बोलना है तो भी देखो बच्चों, नॉट ऑन टू बोलना है तो भी देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए मैं बहुत सिंपल कहता हूं कि इस फंक्शन की रेंज क्या है बच्चों, जेड, और कोडोमेन क्या है बच्चों, कोडोमेन इज दिस सेट ऑल रियल नंबर्स। तो क्लियरली रेंज इज नॉट इज इक्वल्स टू कोडोमेन, एंड हैंस नॉट ऑन टू, एंड हैंस नॉट ऑन टू, हैंस नॉट ऑन टू। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, हैंस नॉट ऑन टू, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, फटाफट से बच्चों नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे। बाहर से कोई कावड़ जा रही है, डीजे चल रहा है, आई मिस कावड़, है ना।
पहले तो मैं जाता था देखने, है ना। अब यहाँ से कोई हार्डली एक निकल रही है नोएडा में, वैसे मुजफ्फरनगर में तो मेरे घर के पास से रोड से, मतलब ऐसा हो जाता है कार्निवल टाइप्स, मतलब मेला लग जाता है एक हफ्ते तक, सब लोग है ना, इवन लेडीज़ जो हाउस होल्ड हाउस वाइफ्स और लेडीज़, मतलब घर के अंदर जो भी परिवार के लोग हैं, तो जल्दी जल्दी खाना वाना बना के, और शाम को एक मतलब माहौल होता है 7-8 के अराउंड सब लोग सड़क पे जाते हैं, एंड वहाँ से कावड़ जारी होती है, एंड एवरीवेयर इज़ लाइक हर जगह आपका क्या नाम जो है सैफरन कलर से, पूरा पूरा मज़ा एकदम, है ना, बहुत बढ़िया। और म्यूज़िक चलता रहता है, कुछ लोग कावड़ की सेवा कर रहे होते हैं ना, कावड़ियों की, और दूध पिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं, केले बांटते हैं, हलवा बांटते हैं, ठीक है ना, जिसकी जैसी श्रद्धा है, बड़ा मज़ा आता है। तो इस साल मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा काम का थोड़ा सा था, टारगेट्स थे, बच्चों को टाइम पे ये लेक्चर्स वेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करके देने थे, तो सो यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर योर फैमिली, फॉर योर स्टूडेंट्स, फॉर योर, है ना, तो वही वाली चीज़ है। बट उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर आई विल ज्वाइन कावड़, ठीक है ना। जय भोलेनाथ। ओके, सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पिछला क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया था कि भैया ये नीदर वन वन नॉर ऑन टू, है ना, तो वही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे, कहता शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन, है ना, मॉड्यूलस फंक्शन, इट इज मॉड्यूलस फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, एंड इसको भी हमें क्या करना है, प्रूव, या टू प्रूव या टू शो, जो भी है, बात एक ही है, वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू, नीदर वन वन नॉर ऑन टू, दिस इज वॉट वी हैव टू शो। ओके, तो देखो नीदर वन वन नॉर ऑन टू के केस में अगेन एग्जाम्पल काफी होगा, ठीक है, एग्जाम्पल काफी होगा, बहुत सारे लोग इसका ग्राफ जानते होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। तो हमने आपको एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ कई बार बताया, कई बार, है ना, क्लास एलेवंथ में भी बताया है कई बार, चाहे वो हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं उसके ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में बताते रहते हैं, इवन जब लिमिट्स पढ़ रहे थे तब भी मॉडुलस एक्स को कई बार एक्सपेंड करना सिखाया आपको। सो मॉडुलस एक्स का ग्राफ बेसिकली कैसा रहेगा बच्चों, इट इज ऐसा, ठीक है। सो द अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि आप डोमेन में से कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, लेट क्या है ना, दो नंबर लेते हैं, माइनस टू एंड प्लस टू बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है, और यहां से अगर आप देखेंगे कि भैया अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू एफ ऑफ टू है, मतलब मॉडुलस ऑफ माइनस टू, मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है, बट माइनस टू इज नॉट इक्वल टू प्लस टू, तो हैंस नॉट वन वन। इसको अगर आप एग्जाम्पल से भी नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम्पल से भी इसको नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका भी है, सिंपल आप एक्स वन एक्स टू लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कुछ बच्चे ऐसे कर लेंगे, मान लो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, कि भैया लेट x1 x2 दो नंबर्स हैं बिलोंग्स टू द डोमेन रियल नंबर, सच डैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, सच डैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो उससे क्या होगा, एफ एक्स वन कितना होगा मॉडुलस एक्स वन, एंड एफ एक्स टू कितना होगा, इट इज मॉडुलस एक्स टू। तो ये आइडेंटिटी ध्यान रखें कि अगर कभी भी मॉडुलस a बराबर मॉडुलस b है, तो ये ध्यान रखें कि भैया a बराबर प्लस और माइनस b होगा, तो x1 बराबर प्लस या माइनस x2 के, तो यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि x1 इक्वल टू x2 होगा, x1 कैन नॉट बी इक्वल टू x2 भी हो सकते हैं, तो इट इम्प्लाइज अगर वन शॉट में कहें तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, हैंस नॉट वन वन, हैंस नॉट वन वन, ठीक है बच्चों, हैंस नॉट वन वन, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। नाउ
अगर आपको ग्राफ नहीं भी आता है और ग्राफ को आप इग्नोर करना चाहते हो, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा दो। ऑन टू पे बात करते हैं, ऑन टू पे बात करते हैं। ऑन टू अगर किसी बच्चे को ग्राफ सीखना है ना, तो वो 11वीं क्लास का हमने अभी रिसेंटली ही रिलेशंस एंड फंक्शन बिल्कुल फ्रेश यू नो शायद दो पार्ट्स में बनाया है, और जिसके अंदर हमने फंक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझाया है। डोमेन, रेंज, ग्राफ, सभी के सभी अल्जेब्रिक फंक्शन हमने उसके अंदर कवर किए हैं, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। अब जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, मॉड्यूलस एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू हमेशा, अच्छा एक्स क्या है यहां पे, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। तो जिंदगी में ध्यान रखना कि मॉड्यूलस एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, मिनिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, जीरो, है ना, मिनिमम वैल्यू उसकी जीरो हो सकती है। तो इट विल बी मॉड्यूलस एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी। और बेसिकली मॉड्यूलस एक्स क्या है, यही आपका एफ एक्स है, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, विल बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो यहां से आपको रेंज पता चल गई है ना भाई, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स ही तो रेंज होती है ना, एफ एक्स की वैल्यूज का सेट ही तो रेंज होता है ना। सो इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो गया हमारे पास, इट इज जीरो टू इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हमने जीरो टू इन्फिनिटी लिख लिया बच्चों, रेंज ऑफ द फंक्शन हमने जीरो टू इन्फिनिटी लिख लिया, रेंज ऑफ द फंक्शन हमने जीरो टू इन्फिनिटी लिख लिया, ओके। अब स्टूडेंट्स कोडोमेन कितना है, कोडोमेन इज रियल नंबर, तो यहां से ऐसे कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। सो बेसिकली यहां पे हम कह सकते हैं कि भैया एज रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, हेंस हेंस नॉट ऑन टू, हेंस नॉट ऑन टू। सो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ठीक है। सो नीदर वन वन एंड नॉर ऑन टू वी हैव शोन, नीदर वन वन, नीदर वन वन एंड नॉर ऑन टू वी हैव शोन, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको वन बाय वन ग्रेजुअली आपको थोड़े से और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते चलेंगे, तो आप वन वन एंड ऑन टू का कॉन्सेप्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में लगाते चलेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। सो कुछ क्वेश्चंस में रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन करके नॉट ऑन टू शोना, नॉट ऑन टू सोना नहीं कहना, ज्यादा इजी होता है ना। तो ऐसे केसेस में अगर आप, कोई बच्चा ऐसा भी है कि जिसे, जो फॉर एग्जांपल जिसको ये एरो डायग्राम ज्यादा पसंद आ गया है, तो ऐसे बच्चे कैसे करेंगे भैया, ऐसे बच्चे कैसे करेंगे, तो वो नॉट ऑन टू दिखाने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार रियल नंबर है तो माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, माइनस जीरो पॉइंट फाइव, जीरो, जीरो पॉइंट फाइव, जीरो पॉइंट फाइव एंड वन, टू, थ्री, है ना, ये रफ में बना के फील करना अगर वो चाहते हैं। तो अनदर रियल नंबर्स का सेट भी ऐसे ही आ जाएगा, अनदर रियल नंबर्स का सेट भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। और अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन में मॉडुलस एक्स लगा रहा हूँ, तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव यानी कि मॉडुलस माइनस जीरो पॉइंट फाइव आपको क्या देगा, इट्स जीरो पॉइंट फाइव, है ना। तो ये यहाँ दे देगा जीरो, इसका आंसर दे देगा, जीरो पॉइंट फाइव भी इसी को दे देगा, वन भी इसको देगा, टू भी इसको देगा, इवन माइनस वन भी इसको देगा। तो यानी कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यूज तो दे ही नहीं सकता ना, तो इनके लिए कोई एक्स तो मिलेगा ही नहीं आपको, तो हैंस नॉट ऑन टू, हैंस नॉट ऑन टू, ठीक है ना। तो जैसे आप चाहें वैसे आप करके कोशिश कर सकते हैं ना, थोड़ी कोशिश खुद से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बाकी ये तो एक तरीका हमने आपको बताया है कि रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन वाला, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स तो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं एंड लेट्स प्रोसीड टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अगेन वो कह रहा है कि सिग्नम फंक्शन है ना, ओके। इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग यहां से देख के भी बता सकते हैं ना, और सिग्नम फंक्शन हमने पढ़ाया भी था आपको, थोड़ा बहुत भूल गए होंगे शायद आप, बट जब x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन भी वैल्यू जीरो है, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा, और जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा बच्चों, माइनस वन रहता है ना, तो यहां पे माइनस वन होगा, तो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, माइनस वन रहेगा, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो माइनस वन रहेगा, क्या रहेगा फंक्शन, माइनस वन, ठीक है, ओके।
अब स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू. तो देखिएगा बहुत जल्द से, जब नीदर वन वन नॉर ऑन टू शो करना ही है तो एग्जाम्पल काफी होगा, एग्जाम्पल काफी होगा. तो मैं कहूंगा कि भैया क्लियरली दो नंबर्स लेता हूं, लेट्स से टू और थ्री. मैं कहता हूं कि दो और तीन बिलोंग्स टू क्या है आपका डोमेन, एंड फंक्शन की वैल्यू दो पे और तीन पे इक्वल है. फंक्शन की वैल्यू दो पे भी वन है, तीन पे भी वन है, बट दो इज नॉट इक्वल टू थ्री, हैंस नॉट वन वन. एग्जाम्पल काफी है, एग्जाम्पल काफी है. ओके अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो फंक्शन है ये बेचारा तीन ही चीज उगल रहा है, वन जीरो और माइनस वन. एक्स कुछ भी हो, इस फंक्शन की अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये फंक्शन तीन ही क्वांटिटीज देता है, माइनस वन देता है, जीरो देता है और वन देता है. आप चेक कर लो, ये फंक्शन किसी भी रियल नंबर पे, कोई भी रियल नंबर ले लो आप, है ना, एक्स की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले लो, आप एक्स की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले लो, ये हमेशा या तो वन देगा या जीरो देगा या माइनस वन देगा. और एफ एक्स की सारी वैल्यूज का सेट ही रेंज कहलाता है. तो एफ एक्स सिर्फ तीन ही वैल्यूज दे रहा है तो उसके जो सेट होगा वो रेंज होगा. तो रेंज ऑफ द फंक्शन ये है. अच्छा कोडोमेन क्या है बच्चों, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन कितना है बच्चों, कोडोमेन ये है ना, ठीक है ना. सो अगर हम लोग ऑन टू की बात कर रहे हैं तो हमें साफ क्या दिख रहा है कि भैया रेंज इज नॉट इज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, हेंस नॉट ऑन टू. तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इनको हमने मस्त तरीके से कर दिया है. क्लियर है बच्चों? तो ग्राफ के सच नीड नहीं है बट फिर भी हमने ड्रॉ किया थोड़ा सा फील करने के लिए, ठीक है ना. और आप फील भी कर सकते हैं कि भैया ये ऑन टू क्यों होगा, ये एंटायर रियल नंबर्स में इन नंबर्स की तो कोई, इन नंबर्स के लिए तो कोई एक्स है ही नहीं ना, इन नंबर्स के लिए तो कोई एक्स है ही नहीं ना, इन नंबर्स के लिए तो कोई एक्स है ही नहीं ना, है ना. तो इसलिए वैसे भी ये नॉट ऑन टू, ठीक है. सो फटाफट से स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. सो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके तो एक छठा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है. कह रहा है ए एक सेट है वन टू थ्री और बी एक सेट है फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है. एंड फंक्शन किस हिसाब से डिनोट, फंक्शन बेसिकली किस हिसाब से रिलेट कर रहा है एलिमेंट्स को. एक की इमेज चार है, दो की इमेज पांच है और तीन की इमेज छः है. क्या बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो डैट एफ एस वन वन, क्या शो करूं भाई इसमें, शो डैट एफ एस वन वन. तो मैं कहूंगा कि देखो क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज. सिर्फ एक इमेज है और अलग अलग इमेज है, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, हैंस वन वन. क्या बात है, क्या मजाक था, बढ़िया मजाक था, बहुत बढ़िया मजाक था, बहुत ही बेहतरीन मजाक था, बहुत ही बेहतरीन मजाक था. ठीक है नोट कर लो भाई, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन. तो क्या ये ऑन टू है? नहीं है. क्यों? क्योंकि सात की कोई भी प्री इमेज नहीं है. तो यहां पे अगर हमसे ऑन टू भी पूछता, यहां से अगर हमसे ऑन टू भी पूछता
तो हम क्या बोलते हैं कि भैया एज सेवन बिलोंग्स टू बी, यानी कि कोडोमेन, फॉर विच देर इज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज. देखो ये इमेज होती है इधर, बी सेट में इमेजेस आती हैं और ए सेट में इनके प्री इमेजेस आती हैं. सो देर इज नो प्री इमेज, देर इज नो प्री इमेज इन ए, यानी कि डोमेन, अंडर द फंक्शन ये जो एफ है, हेंस नॉट ऑन टू. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को उठा के देखें तो हम कहते हैं कि टू की इमेज फाइव है, तो ये फाइव क्या होती है, इमेज होती है, इमेज ऑफ टू, है ना, इमेज ऑफ टू. फाइव क्या है, इमेज ऑफ टू, और टू क्या है, फाइव की प्री इमेज, है ना. टू क्या है, फाइव की प्री इमेज, तो प्री इमेज ऑफ फाइव. ठीक है, क्लियर है क्या. सो दिस इज कॉल्ड एज इमेज एंड दिस इज कॉल्ड एज प्री इमेज. तो सात के लिए भैया कोई भी प्री इमेज नहीं थी, है ना, यानी कि अगर एक कोई ऑर्डर्ड पेयर्स होता तो सात के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर यहां नहीं मौजूद था. ठीक है, चलिए, तो हेंस नॉट ऑन टू. क्लियर है. अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो यहां पे उसने कहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव. तो हमें चेक करना है और बताना है कि ये वन वन है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है. मतलब बाइजेक्टिव मतलब दोनों, वन वन एंड ऑन टू दोनों. ठीक है. सो ठीक है, फंक्शन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फंक्शन हमारे पास आर टू आर है और फंक्शन बेसिकली है हमारा 3-4x. लीनियर फंक्शन है बच्चों. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, लीनियर फंक्शन है तो सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम इसका. ठीक है ना, और हम लोग वन वन एंड ऑन टू चेक कर रहे हैं. तो फॉर वन वन अगर देखेंगे तो भैया लेट एक्स वन एक्स टू बी टू रियल नंबर्स, है ना, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी द टू नंबर्स बिलोंग्स टू डोमेन सच डेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू. अब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू का मतलब क्या हुआ कि भाई 3-4 × x1 = 3-4 × x2. 3 से 3 कट गयो, माइनस से माइनस कट गयो, 4 से even 4 भी कट गयो एंड x1 = x2 आ गयो. ठीक है भाई, तहजीब से काट लेना, है ना, मेरी तरह मत करना. मैंने तो यूं ही कर दिया. ठीक है, मतलब चलो ठीक है, आराम से काट लेते हैं. ठीक है, आराम से काट लेते हैं. 3 से 3 को काट सकते हैं, फिर -4 ऑफ x1 आएगा इज इक्वल टू -4 ऑफ x2. सो -4 से -4 को काट लेंगे तो x1 = x2 आ जाएगा. तो हैंस वन वन, है ना, हैंस वन वन. ठीक है, हैंस वन वन. ठीक है, अब हम लोग ऑन टू को चेक करेंगे, ना, ऑन टू को चेक करेंगे फॉर ऑन टू. देखो बच्चों, ये भी एक रियल नंबर है. ठीक है, बल्कि एक बात सुनो, बहुत ही ध्यान से समझना. हमें ये एरो डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है. y = 3-4x है, ठीक है ना, और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन है वो r टू r है, यानी कि x कहां से आएगा, यहां से आएगा, और y कहां पे जाएगा, इसमें जाएगा. ठीक है, सो अगर मैं x इन टर्म्स ऑफ y लिखूं, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे फंक्शंस में हमें ऑन टू चेक करने के लिए x इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाहिए, यानी कि 4x = 3-y एंड x = 3-y/4. ठीक है, और मैं कोई एरो डायग्राम भी नहीं बनाता, ना, मैं भी कोई एरो डायग्राम नहीं बनाता, बस मुझे इतना पता है कि भाई फंक्शन r टू r है और हमारा x जो है वो इसमें से आएगा और y जो है इसमें मिलेगा, ना,
बेसिकली वाई भी हमें इसमें से मिलेगा ना। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया हमारा एक्स जो है, एक्स जो है वो यहाँ से मिलेगा हमें और वाई जो है उसके अंदर मिलेगा ना, ये कह सकते हैं। अब आप सोचो स्टूडेंट्स, सोचो छोटी सी बात है, आप वाई को दुनिया में कोई भी रियल नंबर लो, कोई भी रियल नंबर फॉर वाई बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर इन कोडोमेन, ये क्वांटिटी क्या होगी भाई? अगर वाई आप कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर, तो एक्स भी एक रियल नंबर ही आएगा, और अगर एक्स रियल नंबर आएगा तो इसका मतलब वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। चेक कर लो इसका मतलब फॉर वाई है ना, फॉर एनी वाई या फिर फॉर ऑल वाई, जितने भी वाई रियल नंबर से आप ले सकते हो ना, वाई आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर, एक्स एक रियल नंबर ही आएगा भाई। वाई को आप दो रख के देखो, एक बटा चार, वो भी रियल नंबर। वाई को आप तीन रख के देखो, जीरो बटा चार, जीरो, वो भी एक रियल नंबर। वाई कोई भी रियल नंबर रखो, आपको एक्स एक रियल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब सभी वाई के लिए आपको एक एक्स मिल रहा है, hence on to। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, hence on to, तो ये फंक्शन वन वन भी हो गया, on to भी हो गया। तो जो फंक्शन वन वन और on to दोनों होते हैं, यानी कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बहुत सारे लोगों को ये शायद ऑन टू फील नहीं आया होगा, फील करा देते हैं बच्चों को। देखिए बच्चों, फील करा देते हैं। कोई बच्चा मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज बताएगा, भैया माइनस फोर एक्स प्लस थ्री लिख दिया, सो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का, यानी कि नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, लाइन ऐसी होगी, यानी कि ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसी होगी y इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, और इसकी रेंज यानी कि इसका प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस, यानी कि इसकी जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो कितनी है? ऑल रियल नंबर्स, और कोडोमेन भी कितना है? ऑल रियल नंबर्स। तो एज रेंज बराबर कोडोमेन, तो वी कैन से हेंस ऑन टू। अच्छा, आप इसको बॉक्स में फील करना चाह रहे हैं क्या? ये जो एरो डायग्राम बनाते हैं हम लोग हैं, वो भी बना के आप फील कर सकते हैं, तब आप देखेंगे कि यार हाँ सच्ची तो कह रहे हैं सर कि हम वाई की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे, एक एक्स हमें मिल ही जाएगा, बॉक्स बना के भी फील हो जाएगा, करके देखना, नहीं होगा तो बताना, ठीक है? चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, और तो वन वन एंड टू हमने बता दिया, तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट है। सो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये एक अपवर्ड पैराबोला है ना, जो बच्चे देख के समझ गए होंगे, अपवर्ड पैराबोला है। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो ना, हमने अभी तक एक भी क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व नहीं किया ना, सफल बैच में हमने बच्चों को बहुत ग्राफ से सॉल्व करना सिखाया है ना, ग्राफ से भी सॉल्व करना सिखाया बच्चों को। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है ना, YouTube पे लिमिटेशन होती है ना कि यार वीडियो की लंबाई थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, तो ये सब रीजंस होते हैं, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के लेक्चर को रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, तो उधर कोई ऐसा सोच समझना नहीं पड़ता, सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तो है ना, कोई भी क्लास हो, हमारा सफल बैच हो या कोई भी हो, कहीं भी कोचिंग हो या कोई भी क्लास हो, तो वहाँ सोचना नहीं पड़ता है ना,
वहाँ पे ठीक है भैया, जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है, जो बच्चों को ट्रेन करना है वहाँ पे बच्चों के लिए वीडियो थोड़ी बना रहे हम, वहाँ बच्चों को ट्रेन करना है। तो वीडियो बनाना एंड सेल्फ लर्निंग के लिए वीडियो बनाना वर्सेस रियल लर्निंग जो एक ट्रेनिंग है, दैट इज यू नो बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली ये आपको इस तरीके का एक पैराबोला मिलेगा कि x की वैल्यू 0 लोगे तो y 1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 मिलोगे तो 2 लोगे या माइनस 2 लोगे, है ना, 1 लोगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी और माइनस 1 पे भी y की वैल्यू 2 मिलेगी, तो अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। तो एक बात तो पक्की है कि ये 1 1 तो है नहीं, क्यों नहीं है 1 1, जरा देखो माइनस 2 पे भी और प्लस 2 पे भी फंक्शन की सेम ही वैल्यू है, है ना, f माइनस टू और f टू दोनों इक्वल है। तो ये तो वैसे ही मैनी वन हो गया भैया, माइनस टू पे और प्लस टू पे फंक्शन की तो सेम ही वैल्यू हो गई ना, तो मैनी वन हो गया ना भैया, ये मैनी वन हो गया, दिस इज मैनी वन, ठीक है। प्लस इस फंक्शन की जो रेंज है अगर आप थोड़ा सा फील करें तो ये फंक्शन हमेशा मिनिमम वैल्यूज की 1 होगी और 1 से ऊपर ही वैल्यू देगा, है ना, बाय प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस। तो रेंज इस फंक्शन की कितनी है, रेंज इस फंक्शन की है 1 टू इंफिनिटी, और जबकि कोडोमेन क्या है फंक्शन का, कोडोमेन क्या है, इट इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सो रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन एंड हेंस नॉट ऑन टू, तो यानी कि ये फंक्शन तो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है, ये फंक्शन तो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है, ठीक है। बट इसको हम थोड़ा सा बोर्ड्स में कैसे लिख के दिखाएं, है ना, थोड़ा प्रॉपर वे में, है ना, तो एक प्रॉपर वे में जरा इसको करके दिखा देते हैं आपको, ना प्रॉपर वे में करके दिखा देते हैं। सो आइए प्रॉपर वे में करके दिखाते हैं। अच्छा नीदर 1 1 के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, बट ठीक है फिर भी प्रॉपर वे में दिखाते हैं। तो 4 1 1 अगर स्टूडेंट्स देखेंगे तो लेट एक्स वन एक्स टू बी द टू नंबर्स बिलोंग्स टू द डोमेन, ठीक है, सच डैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, सच डैट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यानी कि 1 + x1² बराबर 1 + x2² सो इट इंप्लाइज एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर, और दो नंबर का स्क्वायर इक्वल है और वो दो नंबर रियल नंबर है तो वो एक दूसरे के अपोजिट साइन के भी हो सकते हैं, यानी कि x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 एंड हेंस x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, और ये हुआ भी है, देखो ना माइनस टू पे और प्लस टू पे फंक्शन इक्वल था, तो ये नॉट 1 1 है ना, और नॉट 1 1 को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, मैनी 1 भी बोल सकते हैं ना, ठीक है ना, हेंस नॉट 1 1, तो नॉट 1 1 को मैनी 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा ऑन टू फंक्शन के लिए, ना तो देखो ऑन टू के लिए हम लोग आपको थोड़ा सा प्रॉपर लिखना दिखाते हैं, ऑन टू के लिए प्रॉपर लिखना सिखाते हैं ना, ये हटा दे रहा हूं मैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इस फंक्शन की आपको रेंज निकाल के दिखाऊंगा, एफ एक्स बराबर 1 + x2। अब देखो रेंज क्या होता है, फंक्शन यानी कि एफ एक्स की वैल्यूज का सेट, तो एक्स स्क्वायर है ना, जबकि इस फंक्शन में एक्स क्या है, एनी रियल नंबर, देखिए दुनिया में कोई भी x कोई भी रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेस देन इन्फिनिटी होगा भैया, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इन्फिनिटी होगा। मैं प्लस 1 ऑल द साइड्स ऐड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एफ एक्स का आइडिया लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इन्फिनिटी में 1 जोड़ के इन्फिनिटी आएगा यार, और ये क्या है, यही आपका एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू 1 से 1 या 1 से बड़ी एंड लेस देन इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आता ना, सो एफ एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, तो यानी कि रेंज क्या हो गया भैया हमारे पास, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, 1 टू इन्फिनिटी, है ना भैया, एफ एक्स इस सेट से बिलोंग करेगा तो रेंज क्या हो गया, 1 टू इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे कोडोमेन क्या है इस फंक्शन का, कोडोमेन क्या है इस फंक्शन का, इट इज ऑल रियल नंबर्स। सो क्योंकि एज रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन,
हैंस नॉट ऑन टू, हैंस नॉट ऑन टू, हैंस नॉट ऑन टू। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, हैंस नॉट ऑन टू। ठीक है भैया, हैं जी, अरे बोलो ना, क्लियर है, क्लियर है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर वी हैव यू नो मतलब मोर देन हाफ ऑफ द एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, अराउंड 12 क्वेश्चन हैं, तो 6 से ज़्यादा हो चुके हैं, लाइक सेवन्थ क्वेश्चन हमने किया है अभी, सो वी हैव 5 मोर क्वेश्चन, जिसमें कि 2 बहुत छोटे छोटे से MCQs हैं एंड रिलेटिवली ईजी, तो 3 अच्छे क्वेश्चन हैं अभी और, सो करते हैं, आइए बढ़ते हैं। बट बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा हूँ, 8th से देखते हैं। कहता है लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी क्या है, सेट्स हैं, शो डैट, क्या शो करने को बोल रहा है भैया हमें, कि द फंक्शन जो कि क्या है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट से फंक्शन है ना। फंक्शन क्या है बच्चों, कि यार ए बी को अगर हम रखते हैं फंक्शन के अंदर तो उसको उल्टा कर देता है, बी ए हो जाता है, और इस फंक्शन को हमें क्या शो करना है भैया, बाइजेक्टिव शो करना है। बाइजेक्टिव का मतलब समझते हो आप, यानी कि 1 1 प्लस ऑन टू हमें इसको शो करना है। तो आइए जरा 1 1 शो करते हैं ना, 1 1 शो करते हैं ना, सो 1 1 शो करते हैं। मैं कहता हूं कि लेट है ना, फॉर 1 1 यहां पे लिख देते हैं, फॉर 1 1 ठीक है भैया, फॉर 1 1। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि लेट लेट ए बी और सी डी ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ये जो आपकी डोमेन है उससे बिलोंग कर रहे हैं। सच डेट कि भैया फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी डी। अब देखो फंक्शन के अंदर अगर ए बी रख रहे हैं तो क्या कर रहा है फंक्शन, ए बी को उल्टा कर दे रहा है, यानी कि बी ए कर दे रहा है, और सी डी रखेंगे तो उसको भी उल्टा कर देगा, डी सी कर देगा। अब अगर ऐसा है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब B बराबर D हो जाएगा और A बराबर C हो जाएगा। तो फाइनली मैं तो ये कहूंगा ना भैया, अगर B बराबर D है और A बराबर C है, तो इसका मतलब B बराबर D हो गया और A बराबर C हो गया। तो मैं तो ये भी कहूंगा ना कि इट इंप्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी, हैंस 1 1 चेक कर लो ठीक। अब भैया बात आती है ऑन टू कैसे प्रूव करें, ऑन टू कैसे प्रूव करें। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी और ये है बी क्रॉस ए। तो देखो एक बात समझो, यहां पे कोई भी अगर ए बी होगा तो ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए, यानी कि बी ए यहां होगा। भैया आप खुद सोचो, अगर ए बी ए क्रॉस बी से रिलेट करता है तो बी क्रॉस ए के अंदर बी ए होगा डेफिनेटली। तो मैं कहूंगा कि जब जब फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू, मैं तो बोलूंगा ना भाई क्या, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट है ना, बी क्रॉस ए क्या भी है, कोडोमेन है, there exist
देयर विल एग्जिस्ट ए बी belongs to A cross B such that या under the function F A B equals to B A. Hence on to. तो देखो वन वन भी शो कर दिया एंड ऑन टू भी शो कर दिया. सो इट इंप्लाइज फाइनली मैं क्या कह सकता हूं कि एस द गिवन फंक्शन इज वन वन प्लस ऑन टू. ठीक है ना. तो इट इंप्लाइज इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. भाई वन वन एंड ऑन टू जो है वही क्या है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है. क्या है बच्चों बाइजेक्टिव फंक्शन है. इज इट क्लियर टू एवरीवन जल्दी से बोलो. क्लियर है भैया सभी को. ठीक है चलें आगे चलें. वेरी गुड. अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. नाइन्थ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए. चलिए स्टूडेंट्स तो कह रहा है कि स्टेट वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और जस्टिफाई योर आंसर. देखिए बाइजेक्टिव का मतलब वन वन एंड ऑन टू. ठीक है और इसको शो करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं. ये फंक्शन बेसिकली नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में है. फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में है. ठीक है भैया फंक्शन की डेफिनेशन आप जानते ही हो ऊपर लिखी हुई है. डेफिनेशन में लिखी हुई है. अगर n ऑड है यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों. अगर n ऑड है तो n प्लस वन बाई टू लेंगे. तो यानी कि अगर फंक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा फंक्शन क्या करेगा भैया आपको n प्लस वन बाई टू देगा अगर n ऑड है. तो यानी कि अगर मैं वन लूं ठीक है अगर मैं वन पुट करूं एन तो ऑड है ना ऑड के केस में ये है फॉर्मूला. सो अगर मैं वन पुट करूं तो वन प्लस वन टू बाई टू वन. ठीक है थ्री रखूंगा थ्री भी एक ऑड है तो थ्री प्लस वन फोर बाई टू यानी कि टू थ्री की. फिर फाइव रखूंगा फाइव प्लस वन सिक्स बाई टू यानी कि फाइव प्लस वन सिक्स बाई टू यानी कि थ्री. ठीक है भैया फिर उसने कहा कि भैया एन बाई टू अगर एन इवन है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है भैया इट इज एन बाई टू अगर एन क्या है एक इवन नंबर है. तो दो अगर रखेंगे तो दो बटे दो एक चार रखेंगे तो चार बटा दो दो छः रखेंगे तो छः बटा दो तीन. तो यहाँ पे एक बात तो साफ पता चल गई कि ये फंक्शन मैनी वन है वन वन तो नहीं है. ये फंक्शन इज नॉट वन वन है ना नॉट वन वन. तो क्लेवरली अगर इसको हम सॉल्व करें थोड़ा सा क्लेवरली ठीक है तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना. उसके सॉल्यूशन में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा. कई बार मैं इसका थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन लिखवा देता हूँ कई बार मैं थोड़ा इसका स्मॉल सॉल्यूशन लिखवा देता हूँ. तो आज स्मॉल वाला लिखते हैं ठीक है ना. फॉर वन वन है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कब आपके दिमाग में क्या आइडिया आ गया है. सो फॉर वन वन हम लोग कहेंगे कि यार क्लियरली
क्लियरली फॉर वन एंड टू बिलोंग्स टू डोमेन, है ना, फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल. भैया ऑड के केस में इट इज वन प्लस वन बाई टू, इवन के केस में इट इज टू बाई टू, ठीक है ना. तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, बट वन इज नॉट इक्वल्स टू टू. यानी कि वन और टू पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है बट वन और टू इक्वल नहीं है. तो इसलिए हैंस नॉट वन वन. ठीक है, थोड़ा लोग, कुछ लोग जो इमोशनल से हैं, थोड़े से इमोशनल लोग हैं, इमोशनल लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि वन पे और टू पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, एफ वन बराबर एफ टू, है ना. वन पे और टू पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है भैया, वन पे और टू पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, वन दे रहा है. तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस मैनी वन. तो थोड़े से जो इमोशनल लोग हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको फीलिंग है ना, इमोशनल लोगों को फीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना. तो मुझसे प्यार करती हो लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा है ना, तो फील करा दिया हमने. ठीक है. अरे क्लियर है क्या? चलो अब ऑन टू पे बात करते हैं. देखो साफ साफ दिख रहा है ना. थोड़ा फीलिंग बहुत ज़रूरी है ना, फीलिंग बहुत ज़रूरी है. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, वन वन का तो हमने हिसाब चुका दिया भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, वन वन का तो हमने हिसाब चुका दिया. अब थोड़ा सा ऑन टू को देख लेते हैं. मान लो ये लिस्ट अभी ऐसे बढ़ती चली जाएगी, 7, 8. तो 7 पे ऑड नंबर होने की वजह से 7 प्लस 8 बाई 2 यानी कि 4. तो 7 पे इमेज 4 आएगी एंड 8 पे इमेज 4 आएगी, ना 8 बाई 2 4 आएगी. तो एक बात तो पक्की है कि आप इसको कंटिन्यू करते रहो, ये सारे के सारे क्या होते रहेंगे, ऑक्यूपाई होते रहेंगे. ये सारे के सारे आप और नंबर बढ़ाओगे, 9 पे 9 प्लस 1 10 बाई 2 यानी कि 5 आएगा, और 10 पे भी 5 आएगा. तो यानी कि ये सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे. तो एक बात तो पक्की है कि अब हमें ऑन टू फील तो हो गया है ना, भैया ऑन टू हमें ये तो पता है कि यार फंक्शन इज ऑन टू, हैंस फंक्शन इज ऑन टू, मतलब ये तो हमें पता है क्योंकि हमने देख लिया, बट बात है कि इसे लिखेंगे कैसे. तो देखो दो तरीके हैं, आप लिखोगे क्लियरली द रेंज ऑफ द फंक्शन इज, रेंज क्या आएगा भैया, सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ फंक्शन, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे. और कोडोमेन भी क्या है भैया, नेचुरल नंबर से कोई डिनाई नहीं कर सकता, भारत छोड़ो पूरी दुनिया में. आप बोलोगे हियर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. ये तो है इजी जिंदगी, है ना, मेंटोस जिंदगी. रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज ऑन टू. सबसे इजी काम है ये, सबसे इजी. मतलब मैंने इस क्वेश्चन का आज से पहले इतना इजी सॉल्यूशन लिखवाया ही नहीं है. ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरा तरीका क्या है, फिर हम बोलेंगे कि भैया फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन वी हैव एक्स बिलोंग्स टू डोमेन अंडर द फंक्शन दिस. और इसके अंदर भी दो दो डेफिनेशन है, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा. सो बेटर है कि आप इसको ऐसे ही लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, आपसे स्कूल वाले पूछें रेंज नेचुरल नंबर क्या आ गई, तो ये एरो डायग्राम बना के दिखा देना कि सर देखो वाई की वैल्यूज़ ही क्या होती हैं, रेंज होती है. फंक्शन की वैल्यूज़ ही क्या होती हैं, रेंज होती हैं. आप इधर बढ़ाते रहो, ये सारे रेंज में आते रहेंगे. तो इसका मतलब एक दिन क्या होगा, सब कुछ नेचुरल नंबर रेंज में आ जाएगा, है ना. आपके सर बोलेंगे इसको अगर मैं इन्फाइनाइट ले जाऊंगा तो इधर क्या रेंज आएगी, तो इधर इन्फाइनाइट आएगी भाई. इन्फिनिटी प्लस वन अपॉन टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी के साथ छेड़खानी नहीं करने का ना सर, ना तुम करो ना हम करें. ठीक है, चलिए ठीक है, ओके बच्चों. ठीक है, पहली बात तो इन्फिनिटी एक नेचुरल नंबर नहीं होता, तो आप रख भी नहीं सकते.
इन्फिनिटी एक नेचुरल नंबर नहीं होता, तो आप रख भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। सो एक फीलिंग तो आती है यार कि यार एक दिन ऐसा होगा, यहाँ कुछ तो छूटेगा ही ना। एक फीलिंग तो आती है ना कि यार ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे कुछ तो छूटेगा ही ना। क्या छूटेगा? अच्छा फील करो क्या छूटेगा। सर 1 करोड़ का हाफ 50 लाख मिलेगा ना इधर को आपको। सर 100 करोड़ का हाफ 50 करोड़ मिलेगा ना इधर को। सर 1 लाख करोड़ का हाफ वो भी मिलेगा इधर को। तो कभी कुछ बचेगा ही नहीं इधर, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ। सो यही तो नंबर का मजा है ना, नंबर्स का गेम। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे ना। तो लेट्स प्रोसीड टू द 10th क्वेश्चन। वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक रैशनल फंक्शन है और उसको हमारे से क्या पूछा गया, वन वन एंड ऑन टू पूछा गया उसके बारे में। वन वन एंड ऑन टू पूछा गया उसके बारे में, कहता है कि एक ए सेट है आर माइनस थ्री, यानी कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट थ्री, एंड एक बी सेट है ऑल रियल नंबर्स माइनस वन, यानी कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन। कंसिडर अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज डिफाइंड एज एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। आप स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है, और बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। मुझे वन वन प्रूव करना है तो मैं कहूंगा कि फॉर, मुझे क्या करना भैया, इस फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है ना, तो वन वन एंड ऑन टू चेक करेंगे। तो फॉर वन वन चेक करते हैं भैया, फॉर वन वन चेक करते हैं। कहते हैं कि भैया लेट एक्स वन एक्स टू दो नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू द डोमेन सच डेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। सो दिस इज एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री, भैया एक्स वन रखेंगे तो एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री, और एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या, प्रोडक्ट करेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सो इट इज एक्स वन एक्स टू, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, आराम से प्रोडक्ट करेंगे ना। इट इज एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस थ्री, एक्स टू माइनस टू इंटू एक्स वन माइनस थ्री, ठीक है। सो एक्स वन के एक्स टू से प्रोडक्ट, एक्स वन एक्स टू इट इज माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस थ्री टू जस्ट सिक्स, एक्स टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन एंड प्लस सिक्स, सिक्स से सिक्स गया टू एक्स टू से, नहीं ऐसे नहीं काट सकते, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू गया। सो माइनस का थ्री एक्स वन उधर जाएगा तो प्लस का थ्री एक्स वन हो जाएगा, और थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स वन यानी कि प्लस का एक्स वन। ऐसे माइनस का थ्री एक्स टू इधर आएगा तो प्लस का थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स टू यानी कि एक्स टू आ जाएगा। सो हैंस वन वन, हैंस वन वन, वन वन तो हो गया प्रूफ, वन वन तो ये हो गया प्रूफ। अब इसके अंदर ऑन टू की बात करेंगे बच्चों हम लोग, है ना, ऑन टू की बात करेंगे, ऑन टू की बात करेंगे, ऑन टू की बात करेंगे। सर इससे अच्छा तो कुछ और ही सुना दो, तो तेरा मन भरिया मन भरिया बदल गयो सारा, गल गल ते शक कर दे एतबार जरा भी नहीं, हुन तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नी तेरे बिनो, तेनू मिल जाना किसी दा सहारा, वे तू मैनू छड जाना, गल्ला तेरिया जो लगदा है यारा, तू सब जानदा है मैं छड नहीं सकदी तेनू, ताई तां गल्ला ते रोज नचाउंदे मैनू,
अगले जन्म विचेला हूँ ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे के फिर तेनू पता लगना तेनू मिल जाना किसी का सहारा के तू मैनू छड़ जाना। तो गाने के चक्कर में हमें ऑन्टो शो करना है इसको, तो ऑन्टो कैसे प्रूव करो है ना। देखो एरोडायग्राम से प्रूव करना इतना इजी नहीं है ना, है ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, एक बात सुनो, सिंपल है। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख के आओ, है ना, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख के आओ। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सो वाई एक्स, तो मैं इसकी रेंज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका तरीका क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख के आओ। सो वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो y माइनस वन बराबर थ्री वाई माइनस टू। एंड यहाँ से बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, x बराबर थ्री वाई माइनस टू अपॉन y माइनस वन। अब स्टूडेंट्स, x एक रियल नंबर हो सके, x डिफाइंड हो सके, x एक रियल नंबर हो सके, y वन नहीं हो सकता, y वन नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा कि y को वन छोड़ के कुछ भी ले लो दुनिया में, x एक रियल नंबर आएगा। तो मैं कहूंगा कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, वी हैव x इक्वल्स टू थ्री वाई, वी हैव x इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन थ्री y माइनस वन। तो y को y की वन छोड़ के, है ना, y की वन छोड़ के कोई भी रियल नंबर वैल्यू लो, आपको x क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको x क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है ना। और x आपको रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री मिलेगा, है ना, रियल नंबर आप एक्सेप्ट थ्री मिलेगा ना आपको। x की वैल्यू थ्री, तो फंक्शन को डिफाइन करते समय ना देखो ना, एक्स की वैल्यू थ्री नहीं हो सकती है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर थ्री हो गई तो, अच्छा यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू थ्री नहीं हो सकती है ना, एक्स की वैल्यू थ्री नहीं हो सकती, ठीक है, एक्स की वैल्यू थ्री नहीं हो सकती क्योंकि ये वाई हुई डिफाइन नहीं होगा, फिर तो वाई डिफाइन नहीं होगा। तो मैंने कहा कि भैया वाई की वन छोड़ के कोई भी वैल्यू लो, आपको एक्स हमेशा मिलेगा, बस एक्स थ्री नहीं होगा क्योंकि फिर तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, है ना। अब देखो, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो r माइनस वन यही क्या है, यही तो कोडोमेन है, अरे यही तो कोडोमेन है, दिस इज तो बी, तो यही तो कोडोमेन है मेरे भाई। तो यानी कि कोडोमेन का हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आपको डोमेन में उसकी x मिल रहा है ना, चेक कर लो। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, वी हैव x बिलोंग्स टू द डोमेन, हेंस ऑन टू। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, अब लास्ट टू क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, बड़े चिंदी चोर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लास्ट टू क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर, मतलब सीरियस बात है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अंदाज अच्छा लगता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपको लगता है कि हाँ इन सर के साथ पढ़ के कोई फ़ायदा है ना, ग्रो किया जा सकता है, ठीक है, तो हम लोग जो है एक ईयर लॉन्ग स्पेशल बैचेस चलाते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड ऑफ इट्स काइंड हमने सफल 2.0 स्टार्ट किया है जुलाई 1st से, ठीक है, और इसके अंदर मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और बैच की फ़ीस कंप्लीट कोर्स टिल एग्ज़ाम इस 1600 रुपीज़ ओनली। बैच के अंदर डेली हम लोग लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, डेली बेसिस पे डाउट सेशंस होते हैं, बच्चों को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इन DPPs को अगर आप करोगे तो आपको कोई भी NCERT के अलावा कोई किताब करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड, योर PYQ इज़ कवर्ड, योर सैम्पल पेपर, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। पीरियोडिक टेस्ट होंगे स्टूडेंट्स, और सफल 2.0 जो बैच है ये आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस भी कर सकते हो, एनी डिवाइस, है ना, चाहे वो एंड्रॉयड हो, है ना, एप्पल डिवाइसेस हो, ठीक है।
और ओपन माइक सेशंस भी होते हैं, तो अभी जस्ट हमने इसको शुरू किया है, हौले हौले चल रहे हैं। December 31st तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इन केस इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं 8077303359 पे। तो हमारे एकेडमिक काउंसलर आपकी क्वेरीज का एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मज़े से ऐसे पढ़ते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, तो एवरीबडी कैन ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो ठीक है, अपना रेगुलर पढ़ते हैं ना फिर, है ना, एक सीरियस एनवायरनमेंट में, है ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी थोड़े लर्निंग वाले सीरियस एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। ये फंक्शन है आर टू आर और फंक्शन है एक्स पावर 4। आपको भी पता है फॉर 1 1 हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस कई बार सॉल्व कर चुके हैं। तो ये इवन पावर का केस है, तो हमने आपको बताया था कि भाई अगर आपने x1 x2 दो नंबर डोमेन से ले भी लिए, ठीक है, सच डेट fx1 बराबर fx2 होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, x1 पावर 4 बराबर x2 पावर 4। अब अगर दो नंबर्स की इवन पावर इक्वल है, है ना, मतलब फोर्थ पावर इक्वल है और वो रियल नंबर्स हैं, तो वो दो नंबर्स एक दूसरे के नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना, इक्वल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो इसका मतलब यहाँ से ये 1 1 तो नहीं है, तो 1 1 कहने वाले सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, ठीक है, ओके। तो बी और डी में से कोई अभी एक आंसर हो सकता है, ठीक है ना, बी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। नाउ अब फंक्शन है fx इक्वल टू x पावर 4 वेयर x कैन बी एनी रियल नंबर। अब देखो x पावर 4 ना यार जिंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि 0 या 0 से बड़ा रहेगा और लेस देन इन्फिनिटी रहेगा। और ये x पावर 4 क्या है, यही आपका fx है, तो fx की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी एंड लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि fx विल बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया बच्चों हमारे पास, इट इज 0 टू इन्फिनिटी, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी, और कोडोमेन क्या है, इट्स ऑल रियल नंबर्स, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, है ना, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब ना तो ये 1 1 है, है ना, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। सो ये तो वैसे ही बच्चों सा क्वेश्चन है, ये तो हमने बहुत सारे कर रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलें लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है आपके पास रियल नंबर टू रियल नंबर fx बराबर 3x। 1 1 चेक करेंगे बच्चों, ठीक है। सो फॉर 1 1 मान लो मैंने दो नंबर लिए हैं x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन एंड फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3x1 बराबर 3x2, यानी कि x1 बराबर x2, तो 1 1 तो ये हो गया, यस इट्स 1 1, तो 1 1 हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा, 1 1। अब ऑन टू चेक करना है ना, ऑन टू। अब स्टूडेंट्स फंक्शन क्या है हमारे पास, 3x है, फंक्शन क्या है हमारे पास 3 x, वेयर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर मतलब x क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है ना, और मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × इन्फिनिटी 3 इन्फिनिटी का 3 times भी इन्फिनिटी होगा ना भाई, और नेगेटिव इन्फिनिटी का 3 times भी नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, तो यानी कि फंक्शन भी आपका क्या हो गया, इट इज नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि फंक्शन इज ऑल्सो यू नो ऑल रियल नंबर्स। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में क्या आते हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो यानी कि ये रेंज क्या हुई भैया फंक्शन की, है ना, फंक्शन की रेंज क्या हुई भैया, रेंज इज ऑल रियल नंबर्स
एंड कोडोमेन क्या है बच्चों? कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है। तो रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन, तो हैंस ये ऑन टू भी हो गया। वन वन एंड ऑन टू दोनों है, ठीक है। सो वन वन एंड ऑन टू दोनों है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी बच्चे को, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर, किसी बच्चे को लेट से ऐसे शो नहीं करना है ऑन टू, है ना, लेट से ऐसे शो नहीं करना है, तो ठीक है आप ऐसे मत शो करो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे मत शो करो। आप कहो भी आप वाई बराबर थ्री एक्स हो गया, तो एक्स बराबर वाई बाई थ्री। अब आप दुनिया में कोई भी वाई ले लो, फॉर ऑल या फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू आर, कोई भी वाई, कोई भी रियल नंबर ले लो, एक्स एक रियल नंबर आएगा, देयर एग्जिस्ट। अच्छा, मैं ये सब्जेक्टिव आंसर्स इसलिए भी लिखवा रहा हूँ क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन बोर्ड्स के अंदर ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आ जाए, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो इसलिए आपको लिखना आना चाहिए। सो देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू वाई बाई थ्री बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। सो दिस इज योर कोडोमेन वाला रियल नंबर, है ना, क्योंकि कोडोमेन में हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आपके पास डोमेन के अंदर इमेज होनी चाहिए। तो फॉर एवरी, फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर डोमेन अंडर द फंक्शन, यही ये फंक्शन लिख दिया हमने अंडर द फंक्शन एक्स इक्वल टू वाई बाई थ्री। सो हैंस ऑन टू, हैंस ऑन टू, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? जल्दी से बोलिएगा, क्लियर है। सो यहां पे खत्म हो जाता है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशंस खत्म, यानी कि सभी समाप्त, सारी सभी क्वेश्चंस को हमने जो है बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एंड कोई कमी रहेगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो दैट सभी लोग इफेक्टिवली बहुत ईजिली इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच। एंड गाना कैसा लगा? मैं तो तेरा मन भरिया वाला, तो वो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।